हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के सेशन में हम लोग सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य को डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी डायमेंशन है सप्तांग थ्योरी की, वन बाई वन जो सेवन एलिमेंट्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज के डिस्कशन का रहेगा वो ये रहेगा कि जो सप्तांग थ्योरी है इसके मॉडर्न पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट्स हैं, या कैसे ये रिलेवेंट है अभी इवन टुडे जो कॉन्टेम्पररी पॉलिटिक्स है उसमें कैसे रिलेवेंट है सप्तांग थ्योरी, इसको भी हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करेंगे हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कौटिल्य कि वो क्या थे, उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेंगे, और इसके बाद फिर उनके आइडियाज, जो उनकी थ्योरी है सप्तांग थ्योरी, इसके बारे में सप्तांग सिद्धांत के सेवन एलिमेंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को मैं डिटेल में शुरू करूं इससे पहले आप, दिस इज़ ब्रीफ अबाउट मी। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि स्टडी विद कंफर्ट दिस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज़ या लेक्चर्स देख सकते हैं। जो भी आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। स्टडी विद कंफर्ट का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे ज़रूर फॉलो करिएगा, जहाँ पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ में। अगर आपको कोई डाउट है या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लिए, जहाँ पर आप कनेक्टेड रह सकते हैं मेरे साथ में। ओके, तो शुरू करें अगर हम आज का लेक्चर सप्तांग थ्योरी, जहाँ पर हम इंट्रोडक्शन के साथ में शुरुआत करेंगे। तो जो सप्तांग थ्योरी है, सप्तांग सिद्धांत है, ये कौटिल्य का एक की कंट्रीब्यूशन है, जिनके लिए ये काफ़ी पॉपुलर भी हैं। जो कौटिल्य एक वो एंशिएंट इंडिया में फिलोसोफर या आप कह सकते हो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं। ये एक तरीके से क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो फर्स्ट एम्परर थे मौर्य एम्पायर्स के, उनके एडवाइज़र भी थे। और जो 4th century BCE में जब ये मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था, उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाने में, एक ग्रेट एम्परर बनाने में इनका ह्यूज कंट्रीब्यूशन था, और मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश करने में इनका ह्यूज कंट्रीब्यूशन था। और इसी एम्पायर में इन्होंने जितनी भी स्ट्रैटजीज जो स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड हैं, मतलब कि एक जो राज्य है, एक सक्सेसफुल स्टेट कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, फाइनेंस कैसे मैनेजमेंट करना है, अदर स्टेट के साथ रिलेशन कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों उन्होंने डिटेल में एडवाइसेस भी दी थी, प्रैक्टिस भी किया था, और उसकी थ्योरी भी, उस कंसेप्ट को भी बिल्डअप किया। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कौटिल्य हैं, इनको चाणक्य के रूप में, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त भी इनका नाम है, अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चाणक्य या कौटिल्य, जो एक वेल फंक्शनिंग स्टेट होता है उसके सेवन एलिमेंट्स होते हैं, जिसे हम सप्तांग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो किसी भी वेल फंक्शनिंग स्टेट के लिए ज़रूरी है कि ये सेवन एलिमेंट्स एक बैलेंस सिस्टम बनाएं, एक बैलेंस मैकेनिज्म डेवलप करें, और उस बैलेंस सिस्टम में ये सेवन एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में काम करें और एक बैलेंस वे पे काम करें। ये सेवन एलिमेंट्स क्या हैं कि एक वेल फंक्शनिंग स्टेट मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइज रूलर सपोर्टेड बाय कैपेबल मिनिस्टर्स, कैपेबल मिनिस्टर्स होने चाहिए जो एडवाइस करें रूलर को, देन अ डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल हो उस राजा का, फिर इसके बाद एक सिक्योर डिफेंस सिस्टम हो जहाँ पर हम अपनी टेरिटरी, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, एक साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, मतलब जहाँ पर एक्सपेंडिचर, हमारी अर्निंग, पूरा फाइनेंस अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से रखा जाए, देन ट्रस्टवर्दी अलाइज हो हमारे, ओके, जो जिनसे हमें क्या है, सपोर्ट मिल सके, देन रोबस्ट मिलिट्री, आर्मी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकें। तो किसी भी वेल फंक्शनिंग स्टेट में ये सेवन एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तभी वो एक स्टेट सक्सेसफुल रहेगा, वेल फंक्शनिंग रहेगा, और बैलेंस वे पे होना चाहिए। और इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं एलिमेंट्स को हम सप्तांग थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम नेक्स्ट अगली स्लाइड में कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन, कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर कैसा होता है, कैपेबल मिनिस्टर्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन लगा कि सप्तांग थ्योरी यहाँ पर क्या है।
तो बैकग्राउंड एंड कौटिल्य हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हु वाज कौटिल्य, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे या इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी स्टेट क्राफ्ट पर, कि एक स्टेट क्राफ्ट मतलब किस तरीके से एक गवर्नमेंट बनानी है, किस तरीके से एक स्टेट इस्टेब्लिश करना है, किस तरीके से उस स्टेट को रूल करना है, रूलर के क्वालिटीज़ क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें. ओके एंड आप देखो कि व्हाई इज़ ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कौटिल्य ने जो आइडिया दिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, जो बहुत सारे थिंकर्स या पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिस तरीके की उन्होंने एक तरीके से रियलिज्म को फॉलो किया. ओके तो वो काफ़ी पॉलिसी मेकर्स एंड थिंकर्स को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. इन्फ्लुएंस देखा जाए कि वॉट वॉज हिज इन्फ्लुएंस, तो कौटिल्य या चाणक्य का इन्फ्लुएंस आपको इस बात से अंदाज़ा लग सकता है कि जब एंशिएंट इंडियन किंगडम्स के दौरान बहुत सारे जो जो एम्परर्स थे वो उनका गाइडेंस लेने के लिए आते थे ऑन दी गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड वॉरफेयर, और वो खुद भी एडवाइज़र थे मौर्यन एम्पायर के जो रूलर थे उनके. एंड हाउ इज़ ही रिलेवेंट, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हम इसको, अब इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में, हम देखो व्हाट वाज कौटिल्य, हु वाज कौटिल्य देख चुके हैं, रिलेवेंट कैसे इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कौटिल्य के बारे में. ओके तो इनके बहुत सारे जो जो थ्योरीज इन्होंने दी, कंसेप्ट दिए, जो जो गवर्नेंस से संबंधित इन्होंने टैक्टिस दी थी, वो अभी भी एप्लीकेबल है इवन इन मॉडर्न टाइम्स. ओके तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ हमें बात करनी है. अगर हम सप्तांग थ्योरी के बात में बात करें कि क्या है, हालांकि हमने अभी बैकग्राउंड जब डिस्कस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू लिया था कि सप्तांग थ्योरी क्या है, ये सेवन एलिमेंट से बना हुआ है. अब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सप्तांग थ्योरी है क्या, व्हाट इज़ इट. तो सप्तांग थ्योरी एक संस्कृत वर्ड से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है सेवन लिम्स. ओके इसको आप इस तरीके से सोच सकते हो कि जैसे सेवन पिलर्स होना, जिसके जिसके ऊपर एक राज्य इस्टेब्लिश किया जाता है, एक स्टेट इस्टेब्लिश किया जाता है. तो सप्तांग थ्योरी डिस्क्राइब करता है उन सेवन एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स को जो एक सक्सेसफुल स्टेट के लिए ज़रूरी है, एक वेल फंक्शनिंग स्टेट के लिए ज़रूरी है. ये ओरिजिनेशन इसका देखा जाए तो कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में इस आइडिया को डेवलप किया और एंशिएंट इंडिया में काफ़ी पॉपुलराइज भी हुआ, इसको डेवलप किया गया कौटिल्य के द्वारा. तो ये बेसिक सा हो गया. ओके अब हम सेवन एलिमेंट्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं. अगर एक्सप्लेन करना है इन सेवन लिम्स हैं जो जो सप्तांग थ्योरी के सेवन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हम डिटेल में देखें तो पहला आता है स्वामी या किंग, जो रूलर होता है वो. ओके स्वामी, तो जो दो किंग है वो जो हेड ऑफ द स्टेट रहेगा, जो जो स्टेट है या किंगडम है उसका हेड है कौन, किंग या स्वामी. उसके वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ हिज एम्पायर या किंगडम या स्टेट जिसे कहेंगे. देन दूसरा जो लिंब है वो है आमात्य. सो आमात्य मतलब मिनिस्टर्स. मिनिस्टर्स किस लिए रहेंगे, एडवाइस करने के लिए. जो ये रूलर है उसको एडवाइसेस देंगे, सजेशंस दिया जाएगा इन मिनिस्टर्स के द्वारा, और यहाँ पर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, डिप्लोमेसी, डिफरेंट डिफरेंट जो पोर्टफोलियोज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर ये अपनी सर्विसेज देंगे, और एक तरीके से जो राजा है उसको एक राजा के लिए, जो किंग है उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे. देन जनपद, जिसको टेरिटरी कहते हैं, जो टेरिटरी है एक तरीके से कौटिल्य के अकॉर्डिंग वेल डिफेंडेड एंड प्रॉस्परस एंड प्रोडक्टिव टेरिटरी होनी चाहिए. जो टेरिटरी हो वेल डिफेंडेड हो, प्रॉस्परस टेरिटरी हो, और जो रिसोर्सेज हैं उसका इफ़िशेंट यूज़ किया जाए ताकि उस टेरिटरी के लोगों का, उस किंगडम के लोगों का की प्रॉस्पैरिटी हो सके. देन दूसरा है दुर्ग, राइट, जिसे हम फोर्ट्रेस कहते हैं. तो जो ये टेरिटरी है ना, ये क्या होना चाहिए, ये दुर्गीकृत होना चाहिए. इसमें मतलब चारों तरफ से एक तरीके से, जैसे मान लीजिए ये टेरिटरी है, अब चारों तरफ से हमने बाउंड्रीज करा दिया, इसको फोर्टिफाइड कर दिया. अब ये क्यों ज़रूरी है, तो ये जो फोर्ट्रेस है या फोर्टिफाइड एरिया है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्टेट, कि भाई उस स्टेट की स्ट्रेंथ कितनी है, और स्ट्रेंथ किस कंटेक्स्ट में, एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स. भाई जब ये फोर्टिफाइड एरिया है या जो टेरिटरी है वो फोर्टिफाइड है, तो क्या होगा, वो स्टेट अपने आप को डिफेंड करने में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कैपेबल होगा. देन फिफ्थ एलिमेंट है यहाँ पर कोश. कोश मतलब
टेरिट जो जो ट्रेजरी है, जो ट्रेजरी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, तो किसी भी किंगडम या स्टेट का जो कोष होता है, जो जो उसका फाइनेंस होता है, जो बजट होता है, वो रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्टेट। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो स्टेट या किंगडम है वो कितना प्रॉस्परस है और वहाँ के जो लोग हैं वो उनकी लाइफ कितनी प्रॉस्परस एंड हैप्पी है। तो अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है किसी भी राज्य की, किसी भी किंगडम की, तो वो उसके पास एबिलिटी है, तो एबिलिटी रहेगी टू फंड इट्स ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट्स, चाहे वो उस किंगडम का डेवलपमेंट करना हो, चाहे जो एनिमीज के साथ जो फाइट एंड वॉर को सपोर्ट करना हो, कुछ भी हो सकता है। देन सुरक्षा एंड जिसे हम स्टैंडिंग आर्मी कहते हैं, सिक्स्थ एलिमेंट है। तो आर्मी एक बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू कौटिल्या। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडिंग आर्मी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी स्टेट को अगेंस्ट दी थ्रेट और मेंटेन जो लॉ एंड ऑर्डर है उस किंगडम में या उस स्टेट में, उसको मेंटेन करने पे हेल्प करेगी। देन मित्र या अलायंसेस, तो अलायंसेस जो हैं ये क्या करते हैं, अब एक राज्य है जो एक जो किंगडम है उसकी इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने में कह सकते हो या उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने पे हेल्प करेंगे। देखो जो मित्र हैं वो तो आप जनरली देखो जो मित्र होते हैं, जो अलायंसेस होते हैं, वो एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करते हैं और एक दूसरे को के लिए खड़े रहते हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट दें, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट दें, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट दे सकते हैं आपको। ओके, तो इस तरीके से अलायंसेस बहुत ज़रूरी है। तो कौटिल्य कहते हैं कि एक सक्सेसफुल स्टेट या वेल फंक्शनिंग स्टेट को क्या चाहिए होगा कि वो अलायंसेस बनाए ट्रस्टवर्दी जो 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 स्टेट हैं उनके साथ में, ताकि सुख दुख में एक दूसरे के साथ वो खड़े हो सके, एक सपोर्ट सिस्टम बन सके। और इससे इन्फ्लुएंस भी होगा कि भाई ये तो जैसे जैसे एक जो किंगडम है, अगर उसके एक बड़े अलायंसेस हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग उसके अलायंसेस में हैं, तो वो क्या होगा, एक उसका इन्फ्लुएंस होगा। जैसे आज के मॉडर्न टाइम पे भी जो कंट्रीज हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी तो अलायंसेस बनाती हैं, ग्रुपिज्म बनाती हैं, और इससे क्या है, जियोपॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मान लीजिए जो क्वाड बनाया गया, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो जब क्वाड एक ग्रुप अलायंस बनाया गया कि इसमें भाई हाँ जो चाइना का एग्रेसिवनेस है या चाइना का जो एक्सपेंशन है उसको, जो असर्टिवनेस है चाइना का, उसे हमें कंटेन करना है। ओके, एक तरीके से जो जो इंडियन ओशियन में या इंडो पैसिफिक एरिया में, तो ये अलायंसेस जो हैं एक तरीके से क्या शो करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करते हैं। आज के जियोपॉलिटिक्स में भी ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो क्वाड में मुझे कमेंट करके बताओ कितने स्टेट हैं, सॉरी कितने कंट्रीज हैं क्वाड में, क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से हैं बेसिकली। इसी तरीके से बहुत सारे आप अलायंसेस का नाम ले सकते हैं, नाटो का नाम ले सकते हैं, और किस तरह और दूसरे बहुत भी अलायंसेस हैं, आप G20 हो गया आपका, या ब्रिक्स नेशन हो गए, SCO हो गया, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का या अलायंसेस का नाम ले सकते हैं इस पॉइंट की रेलेवेंस को शो करने के लिए। तो अभी यहाँ पर जो सेवन लिम्स हैं, सेवन एलिमेंट्स हैं सप्तांग थ्योरी के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं अभी ना वन बाय वन आप इन पॉइंट्स को। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें सप्तांग थ्योरी की, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या इम्पोर्टेंस है, तो व्हाट डिड इट अकम्पलिश, तो सप्तांग थ्योरी बेसिकली इंट्रोड्यूस किया एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द स्टेट क्राफ्ट, कि जो स्टेट क्राफ्ट है इसके लिए एक न्यू मैकेनिज्म डेवलप की, एक जो जो एंशियंट टाइम की गवर्नेंस थी उसके लिए काफ़ी ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन था ये सप्तांग थ्योरी। देन हाउ वॉज इट रिफ्लेक्टेड इन द सोसाइटी, तो बेसिकली जो सेवन लिम्स थे इनको इंटीग्रेट किया गया बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में एंशियंट इंडिया के टाइम पे, और इवन कॉन्टेम्पररी इंडियन पॉलिटिक्स में भी ये रिलेवेंट है, इवन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे भी रिलेवेंट है, हमने जैसे अलायंसेस वाला एग्जांपल देखा। ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंस है सप्तांग थ्योरी की इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। करंट इम्पैक्ट्स की देखें तो मॉडर्न इंडियन थिंकर्स को इंस्पायर करती है, पॉलिसी मेकर्स को इंस्पायर करती है कि किस तरीके से अलायंसेस बना के आप डिप्लोमेसी को यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप बजट को अपने बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी भी एप्लीकेबल हैं। ओके, एकेडमिक्स के लिए आप एक सिस्टमेटिक रिसर्च इसमें फर्दर किया जा सकता है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है।
अगर हम कंपेयर करें सप्तांग थ्योरी को विद दी अदर पॉलिटिकल थ्योरीज जैसे कि मार्क्सिस्ट थ्योरी, कन्फ्यूशियन थ्योरी, देन वेस्टर्न थ्योरीज के साथ में थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी करेंगे ना, तो ये बहुत बेटर रहता है। तो पर्टिकुलर जो ये 10 स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आंसर्स में इस तरीके का कंपेरेटिव स्टडी लिखते हो ना, तो आपके जो आंसर्स हैं उनकी वैल्यू एडिशन बढ़ जाती है। तो देखते हैं, सप्तांग थ्योरी तो आपने समझ लिया, तो वेस्टर्न जितनी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं आपको देखने को मिलेगा रिगार्डिंग टू द स्टेट क्राफ्ट। ओके, हम स्टेट क्राफ्ट के बारे में देख रहे हैं कि एक राज्य के क्या फंक्शन होते हैं, एक स्टेट के को कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है और ये फंक्शन कैसे करता है, ये होता है स्टेट क्राफ्ट। तो सप्तांग थ्योरी में हमने देखा कि किस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच है जहाँ पर 7 एलिमेंट्स हैं और एक वेल फंक्शनिंग स्टेट के लिए क्या चाहिए कि ये 7 एलिमेंट्स एक हार्मनी में काम करें। ओके, ये 7 एलिमेंट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बजट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आर्मी भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद से आपका अलायंसेस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, रूलर भी इम्पॉर्टेंट है, मिनिस्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेकिन जो कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो वेस्टर्न थ्योरीज हैं रिगार्डिंग टू द स्टेट क्राफ्ट, वो कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पर फोकस करती हैं, जैसे कि मान लीजिए सेपरेशन ऑफ द पावर। सेपरेशन ऑफ द पावर आपने क्या पढ़ा था कि भाई जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल है, इनकी जो डिफरेंट, इनके अपने स्पेसिफिक ज्यूरिडिक्शन है और उस ज्यूरिडिक्शन में ये काम करती हैं। तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो सप्तांग थ्योरी है ना, ये वेस्टर्न थ्योरी से इस मायने में डिफरेंट है क्योंकि सप्तांग थ्योरी एक होलिस्टिक व्यू रिप्रेजेंट करती है, जबकि वेस्टर्न थ्योरीज कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट क्राफ्ट के रिगार्डिंग में, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर। मुझे कमेंट करके बताइए कि सेपरेशन ऑफ पावर जो थ्योरी है ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी। डिटेल में मैंने एक वीडियो इस पर बनाया है, प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हो, बट मुझे अभी कमेंट करके बताएं कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये कमेंट करके बताइएगा। सप्तांग थ्योरी वर्सेस मार्क्सिस्ट थ्योरी को देखें, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या थी कि भाई इन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर स्टेट क्राफ्ट को एनालिसिस किया था कि भाई जो 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 स्टेट है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को बढ़ावा देता है जहाँ पर जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉयट करते हैं। ये था मार्क्सिस्ट क्लास। ओके, जबकि सप्तांग थ्योरी एक मोर बैलेंस्ड व्यू प्रोवाइड करते हैं स्टेट क्राफ्ट के बारे में, जैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी, सोशल एस्पेक्ट भी, मिलिट्री एस्पेक्ट्स भी, इवन जो फॉरेन एस्पेक्ट्स हैं, जो जो फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट्स हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि जो सप्तांग थ्योरी है दिस इज़ अ मोर बैलेंस्ड व्यू। नेक्स्ट, अगर सप्तांग वर्सेस कन्फ्यूशियन थ्योरीज को करें हम, तो कन्फ्यूशियस थ्योरी अगर हम देखें तो कन्फ्यूशियस थ्योरी या जो है वो रोल ऑफ इंडिविजुअल जो लीडर है उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, वहीं पर सप्तांग थ्योरी इंडिविजुअल के रोल, मतलब सिर्फ किंग के रोल को यहाँ पर नहीं एम्फेसाइज किया है। यहाँ पर उन्होंने 7 एलिमेंट्स, जो जो सप्तांग थ्योरी है यहाँ पर 7 एलिमेंट्स की बात की गई है, और जो ये 7 लिम्स हैं वो टुगेदर एक सिस्टमेटिक, एक बैलेंस्ड सिस्टम बनाते हैं और एक सिस्टम में काम करते हैं। ओके, तो कन्फ्यूशियस थ्योरी में क्या है, रोल ऑफ इंडिविजुअल लीडर इन सोसाइटी पर ज़्यादा जोर दिया गया है, वहीं पर सप्तांग थ्योरी 7 एलिमेंट्स की बात करती है और इन 7 एलिमेंट्स के बीच हार्मनी की बात किया जाता है, एक बैलेंस सिस्टम डेवलप किया गया है सप्तांग थ्योरी के बारे में। तो ये कंपेरेटिव स्टडी समझ में आई आपको यहाँ पर। अगर हम ये देखें कि मॉडर्न रिलेवेंस क्या है सप्तांग थ्योरी का, तो बहुत सिंपल है, कुछ इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा टेक्निकल नहीं है। पहले तो एडॉप्टिव गवर्नेंस, सप्तांग थ्योरी प्रोवाइड करती है एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कुछ डिफरेंट सिनेरियोज एंड चेंजिंग सरकमस्टेंसेस में भी एडॉप्टिव इन नेचर है। ओके, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अलायंसेस, अब आपके जैसे एनिमीज चेंज हो गए, आपके फ्रेंड चेंज हो गए, आप अलायंसेस चेंज कर लें। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मिनिस्टर्स हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इवन आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी जो मिनिस्टर वाला जो जो आमात्य वाला पॉइंट है, लिंब है, वो भी कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर एक कैबिनेट में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो जो एडवाइज़र हैं, वो पावरफुल हैं, पावरफुल क्या मतलब, वो अगर वाइज हैं, इंटेलिजेंट हैं, या उनके पास अच्छे एक्सपीरियंस है, उनकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड है, ओके, तो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो चीज़। देन सिस्टम थिंकिंग,
तो यहाँ पर जो 7 लिम्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द स्टेट क्राफ्ट, जहाँ पर पीस मील अप्रोच को अवॉइड किया गया है। मतलब पीस मील का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर केवल जोर देना, या तो फाइनेंस या तो मिलिट्री, इस तरीके से नहीं। यहाँ पर एक सिस्टमेटिक थिंक, एक सिस्टम थिंकिंग रखी गई है, एक बैलेंस्ड वे अडॉप्ट किया गया है। और किसी भी अभी भी जैसे वेल फंक्शनिंग स्टेट के लिए आज मॉडर्न टाइम पे देखें तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर मान लीजिए इंडिया को एज अ कंट्री वेल फंक्शनिंग करना है, तो भाई जो हमारा रूलर है जैसे कि मान लीजिए PM, वो भी मतलब उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनिस्टर्स के रोल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देन जो हमारी टेरिटरी की सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देन सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो जो सप्तांग थ्योरी है हमें रिमाइंड करती है कि जो सिक्योरिटी है ये एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट है एक स्टेट के लिए, और स्टेट को चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करे इन द रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप। जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़, टेररिज्म हो रहा है, जिस तरीके से अदर ग्लोबल चैलेंजेस मिल रहे हैं, थ्रेट्स मिल रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि एक स्टेट को अपनी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंट में आप सिक्योरिटी के मे बी मायने चेंज हो गए हैं, डायमेंशंस चेंज हो गई, नेचर चेंज हो गया है। अब सिक्योरिटी के मामले में आप देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी या स्पेस सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी का नेचर चेंज हो गया है, बट सिक्योरिटी स्टिल इम्पॉर्टेंट एरिया है प्रेजेंट टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे या टेक्नोलॉजी के टाइम पे। जो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स हैं वो चेंज हो गए, उनका नेचर चेंज हो गया है। तो हमें सिक्योरिटी का जो 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 एरिया है इम्पॉर्टेंट है, हमें बस जो प्रेजेंट थ्रेट्स हैं, कॉन्टेम्प्रेरी थ्रेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी पॉलिसी को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो ये हम इसे ये पता चलता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इम्पॉर्टेंट हैं, रिलेवेंट हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम कंक्लूड करें, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी कि आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग टू रेलेवेंट, कि सप्तांग थ्योरी अभी मॉडर्न टाइम पे कैसे रेलेवेंट है। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, कोई इनोवेटिव ओपिनियन है, एग्जांपल है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इससे क्या होगा, हम सबकी नॉलेज एनरिच होगी। अगर आपका कुछ इनोवेटिव न्यू आइडिया होगा वो मुझे भी जानने को मिलेगा, जिससे कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो और ब्रॉड होगा, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी नॉलेज एक्सचेंज करेंगे आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ में, क्योंकि हम सभी यहाँ पर एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, राइट। मैं भी कुछ सीख, मुझे भी अगर आपसे कुछ सीखने को मौका मिलेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी ये। तो अपना जो इनोवेटिव आइडिया होगा रिगार्डिंग टू रेलेवेंस ऑफ द सप्तांग थ्योरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा गाइस। देखो ना, अगर नॉलेज एक्सचेंज करेंगे तो हमें एक दूसरे को के नॉलेज को हम एनरिच कर रहे होंगे, तो प्लीज़ डू कमेंट योर ओपिनियन। अगर हम कंक्लूड करें इस डिस्कशन को कि इसमें इस चीज़ को जो हमने आज पूरा डिस्कस किया इस सेशन में सप्तांग थ्योरी को, तो सप्तांग थ्योरी कौटिल्य के द्वारा डेवलप की गई एक होलिस्टिक वे था स्टेट क्राफ्ट के बारे में, कि एक राज्य का को कैसे इस्टेब्लिश करना है, उसका गवर्नेंस कैसा होना चाहिए। काफ़ी बैलेंस था, हमने देखा 7 एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स थे, एक बैलेंस सिस्टम डेवलप किया गया था। तो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पे जो पॉलिसी मेकिंग है, काफ़ी स्ट्रेटजिस्ट हैं जो उनको एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है, राइट। इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं इवन इन द मॉडर्न पॉलिटिकल मॉडर्न पॉलिटिक्स अबाउट द स्टेट क्राफ्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। अब इसमें सप्तांग थ्योरी हमें ये देखना होगा, इसमें एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एकेडमिक पर्सपेक्टिव से इस तरीके से कि हम फर्दर इस पर रिसर्च कर सकते हैं कि जो सप्तांग थ्योरी है वो मॉडर्न डे में या मॉडर्न पॉलिटिक्स में किस तरीके से अडॉप्टेड है, किस तरीके से हम अडॉप्ट कर रहे हैं इसे, या क्या पॉसिबल एरियाज हो सकते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं इंडिया, साथ ही साथ में हमारे जो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उस पर भी, जैसे कि मैंने अलायंस वाला कंसेप्ट आपको बताया क्वाड को लेकर। तो इस तरीके से हम इसे मतलब ये फ्यूचर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और जो एकेडमिक है उसको और एनरिच किया जा सकता है इस तरीके से। तो आई होप कि आज का ये सेशन आपने इन्जॉय किया होगा, जहाँ पर हमने देखा कि सप्तांग थ्योरी क्या है, और आप ना जो मैंने क्वेश्चन पूछा क्वाड में मेंबर कितने हैं, मैंने दो क्वेश्चन पूछे, क्वाड के मेंबर्स के नाम बताइएगा, और दूसरा जो सप्तांग थ्योरी है उसकी रेलेवेंस आपके हिसाब से कैसे है, अपना अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ये दो क्वेश्चन के जवाब आई होप कि आप मुझे देंगे, मैं वेट करूँगी आपके कॉमेंट्स का, एंड
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए लाइक करने, सब्सक्राइब करने, कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता, बट मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि मेरे चैनल की ग्रोथ इस चीज़ पर डिपेंड करती है। अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो YouTube की तरफ से इस वीडियो को रिकमेंडेशन जाती है। ऑल्दो कि मैं कोई चार्जेस नहीं करती हूँ, बट एटलीस्ट गाइस कोई कॉस्ट नहीं लग रही है लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में, कमेंट करने में। तो एटलीस्ट मैं होप करती हूँ कि आप इतना कंट्रीब्यूशन तो इस चैनल और मुझे दे सकते हैं ग्रो करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।